राज्य सरकार में जो झारखंड का सरकार है वो बीजेपी का रहे, मगर हाँ रघुवर सरकार को कुर्सी नहीं मिले। मतलब बाबूलाल मरांडी को देखना? जी बाबूलाल मरांडी को चाहिए, सरकार ही चाहिए। मोदी सरकार में क्या अगर आ जाती है झारखंड में तो क्या बदलाव होगी? बदलाव होगा जी, ऐसा उम्मीद आप लोग लगा? जो बच्चों ने एग्जाम दिए, हमारा बेटा खुद का एग्जाम दिया और फिर भी उस सेंटर में क्वेश्चन खुला पाया गया, ये सब नहीं देखने को मिलेगा सीजीएल पेपर में, इसलिए हम चाहते हैं। मोदी मेरा चाचा, प्यार कैसे आया मोदी? बहुत प्यार आया, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। मेरा नाम हुआ MD राजा वारसी। आप मुस्लिम है? जी जी। देखिए जो पढ़े लिखे हैं वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, विरोध नहीं करेंगे। मोदी से तो हमारा जन्म जन्म का प्यार है। मोदी तो मेरा चचा हुए है। मोदी तो मेरे चचा हुए है। जान जी से मोहब्बत करता हूँ, अपने बाप से भी बढ़ के अपने चचा को मानता हूँ। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कि मैं हजारीबाग से आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि हजारीबाग की जनता नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हैं कि जो मैदान है उसके बाहर ही इतनी भीड़ है। आप समझ सकते हैं कि कई लड़कियां पढ़ने वाली छात्र भी मोदी जी को एक झलक देखने के लिए आए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि अभी ये मैदान जो है मैदान के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाया गया है, इतना कड़ी सुरक्षा। आप देख सकते हैं कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, उसके बावजूद भी जनता पहुंची है मोदी जी को देखने के लिए। कई लोग पहुंचे हैं, कई महिलाएं पहुंचे, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आज मोदी जी को बाय फेस देखें कैसा लगा, कैसा नेता है और क्या बदलाव देखना चाहते हैं झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में। जो मैं चाहती हूं कि झारखंड में भी मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हमको तो बहुत उम्मीद बांध के रखे है। हमारे बहुत सारा काम बाकी है, जो इस सरकार से अभी झारखंड की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बहुत आस लगाए बैठे रहे लेकिन एक भी काम नहीं हो रहा है, केवल कथनी और करनी में अंतर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार झारखंड में भी आए। मोदी जी से देखा अभी? एक झलक तो देखी लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाए, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ में व्यस्त रहे, हम लोगों को अंदर जाने नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार झारखंड में आए। इसी काम आप देखे मोदी जी को कि आपको मोदी जी इतना प्यारा लगता? हर एक चीज में, वो चाहे वो जो भी कहीं से भी किसी भी मंच से जो भी बोलते हैं वो करते ही है, ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमें उम्मीद है, अनुकंपा के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत है लेकिन हमारी अभी तक जॉब नहीं हो पाई है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन एक सरकार तो कितनी सारी एग्जाम से अभी ले रही है, चाहे उत्पाद सिपाही हो, CGL की एग्जाम हो, इतनी सारी वैकेंसियां और मैया समान योजना, फिर भी आप कह रहे हैं कि इस बार फिर मोदी की सरकार नहीं। मैया समाज योजना वो सीमित लोगों तक ही है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम लोग तो डाले लेकिन हम लोगों का पैसा तो नहीं आया, तो किसका आता है किसका नहीं आता ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम तो इसमें नहीं कहेंगे, हमको मोदी सरकार ही चाहिए। मोदी सरकार में क्या अगर आ जाती है झारखंड में तो क्या बदलाव होगी? बदलाव होगा जी, ऐसा उम्मीद आप लोग लगा? जो बच्चों ने एग्जाम दिए, हमारा बेटा खुद का एग्जाम दिया और फिर भी उस सेंटर में क्वेश्चन खुला पाया गया, ये सब नहीं देखने को मिलेगा CGL पेपर में, इसलिए हम चाहते हैं कि एकदम सब कुछ खुले रूप में हो, सही तरीके से हो, इसके लिए मोदी सरकार बहुत आवश्यक है, ये हमें उम्मीद है। कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग बाबापद से आए हैं। देर आपने प्रतीक्षा किया? हम एक घंटे से यहाँ खड़े हैं, हम लोगों को बहुत राउंड लगाए लेकिन अंदर जाने नहीं मिला, तो चलिए एक झलक यहीं से देखने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, इन लोगों से भी परिचय लेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो आए हैं इतने भीड़ जो उमड़ा है बैरिकेडिंग में अभी भी। मैं रात को रिपोर्टिंग चल रहा है, रात को आप देखे ही थे किस तरह की तैयारियां चल रही थी, उसी बीच में आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान के अंदर है लेकिन बाहर में देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ उमड़ा है कि जब जाएंगे नरेंद्र मोदी जी तो फिर एक झलक हम लोग देखेंगे, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग खड़े हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम तो छतरा डिस्ट्रिक्ट के पर अभी हजारीबाग से ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं सर। बीएड कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी जी को देखने आए? हाँ, उनको तो देखने ही आए। मतलब कैसा नेता है वो? हमारे लिए बहुत ही अच्छे नेता है, खासतौर पे झारखंड की हजारीबाग के लिए, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री हमारे हजारीबाग में
इतनी बार दौरा नहीं किए इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो हजारीबाग दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने, वो पूरे देश की सेवा। हाँ, फिर भी देश की सेवा से देखा जाए देश को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उनके देख रेख में हजारीबाग को जो डेवलपमेंट की ऊंचाई सीढ़ी मिली है, शायद ही कोई हमारे भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा होंगे जो मिले होंगे। चाहते हैं झारखंड का जो सरकार है उसमें बदलाव हो। झारखंड की सरकार तो अवश्य बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी की आलम बढ़ गई है, खासतौर पे पेपर लीक का मामला इतना बढ़ा है, सीजीएल का, छात्र आंदोलन करते हैं। हाँ, झारखंड में जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, इससे पहले पीजीटी का भी बहुत धांधली का आरोप लगा हुआ है, और खासतौर पे हाँ पीजीटी टीचर का, हाँ जेई का भी आरोप लगा हुआ है। और मोदी जी से दरख्वास्त करेंगे कि हजारीबाग में कम से कम एयरपोर्ट जल्दी ही बनवाने की कोशिश करें। बहुत जल्दी जो है ना, हम यही चीज बोले चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जल्द से जल्द यहाँ एयरपोर्ट का इंतजाम किया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां क्या चाहते हैं, बदलाव हो कि बीजेपी का सरकार बने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड सरकार हटना चाहिए, जेएमएम का पार्टी। और प्लस क्या है कि एयरपोर्ट के लिए हमको यहाँ पर चाहिए था। बाकी आप कितना मोदी से प्यार करते हैं? मोदी से तो हमारा जन्म जन्म का प्यार है। मोदी तो मेरे चचा हुए है, मोदी तो मेरे चचा हुए है। जान जी से मोहब्बत करता हूँ, अपने बाप से भी बढ़ के अपने चचा को मानता हूँ। मोदी मेरा चचा। प्यार कैसे आया मोदी? बहुत प्यार आया, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। मेरा नाम हुआ एमडी राजा वारसी। आप मुस्लिम है? जी जी। देखिए, जो पढ़े लिखे हैं वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, विरोध नहीं करेंगे। पहली बात तो क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है धर्म से बड़ा रोजगार डेवलपमेंट होती है, ठीक है, देश होता है, धर्म नहीं। चचा करने मोदी का बड़ा योगदान। जी, बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं बोलना चाहता हूँ मोदी चचा को कि यहाँ पे हजारीबाग में एयरपोर्ट के लिए बहुत जल्दी से इंतजाम कर चुके हैं, कर दे। और एक अंकल मिले, इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार, जोहार हजारीबाग। मैं हजारीबाग से उदयाल नगर से हूँ। किनको देखने आए थे? श्री नरेंद्र मोदी जी को। बहुत अच्छा लगा उनको देखने के लिए, तो कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। सभास्थल तो नहीं जा पाए? भीड़ के कारण नहीं जा पाए हैं, चूंकि काफी ज्यादा भीड़ है, उनका समर्थक बहुत ज्यादा है। चाहेंगे बीजेपी के तमाम नेताओं को संदेश? हम यही संदेश देना चाहेंगे बीजेपी नेताओं को कि हजारीबाग में भी बीजेपी का सरकार आए, और यहाँ भी विधानसभा सॉरी झारखंड में, झारखंड में बीजेपी का सरकार आवे, राज्य सरकार में जो झारखंड का सरकार है वो बीजेपी का रहे, मगर हाँ रघुवर सरकार को कुर्सी नहीं मिले। मतलब बाबूलाल मरांडी को देखना? जी, बाबूलाल मरांडी को चाहिए। आप इनको देखना चाह रहे हैं? ये तो देखिए, आप इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग का कहना है कि झारखंड में बीजेपी का सरकार ही रहे। अभी मतलब कि जो वर्तमान सरकार है उसकी कुछ 5 साल में कार्यकाल में बताइए जहाँ पर विकास नहीं हो पाई। कुछ भी ऐसा विकास हमको नहीं समझ में आया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अभी कई योजना का शिलान्यास कर रहे हैं प्रधान मुख्यमंत्री जी? नहीं नहीं, बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं है, ये तो करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री का तो लॉलीपॉप है, उनका तो विश्वास नहीं है। मैया सम्मान और बेटी योजना ये सब खाली प्रलोभन है, 1 महीना मिलेगा, 2 महीना मिलेगा, 3रा महीना से बंद हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम कुछ इस प्रकार से है।